और चलिए इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, सीधा रुख कर रहे हैं खबर की ओर, बड़ी जानकारी आपको दे दें। फरीदाबाद में गणेश उत्सव की धूम देखने को मिल रही है और बीजेपी उम्मीदवार विपुल गोयल ने समारोह का आयोजन किया। फरीदाबाद से बीजेपी उम्मीदवार हैं विपुल गोयल, हजारों की संख्या में भक्त इस दौरान मौजूद रहे। भगवान श्री गणेश की प्रतिमा को विराजमान किया गया, मंत्रोच्चारण के साथ बप्पा की मूर्ति और फरीदाबाद में दो दिवसीय गणेश उत्सव का आयोजन। तो बीजेपी उम्मीदवार विपुल गोयल ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया और साथ ही साथ आपको ये बता दें कि हजारों की संख्या में तमाम भक्त इस दौरान मौजूद रहे। भगवान श्री गणेश की प्रतिमा को विराजमान किया गया, मंत्रोच्चारण के साथ बप्पा की मूर्ति का विराजमान किया गया। फरीदाबाद में दो दिवसीय गणेश उत्सव का आयोजन किया गया, बीजेपी उम्मीदवार विपुल गोयल ने समारोह का आयोजन किया और फरीदाबाद से बीजेपी उम्मीदवार हैं विपुल गोयल। फरीदाबाद में पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल द्वारा लगातार जो है गणेश उत्सव मनाया जा रहा है। हमारे साथ हैं पूर्व कैबिनेट मंत्री। सर क्या कहेंगे, क्या मैसेज लोगों के लिए? ये अनेकों सालों की तरह इस बार भी गणपति आयोजन हो रहा है और ये विपुल गोयल का आयोजन नहीं है, फरीदाबाद के लोगों का आयोजन है। सामाजिक धार्मिक संस्थाएं मिलकर इसको करती आई है और आज देख रहे हो ये उत्साह हर साल बढ़ता ही जा रहा है लोगों में और आज देख रहे हो लोगों का प्यार है गणपति बाबा। पिछले सालों से काफी खास रहा है, अब की बार क्या कुछ और ज्यादा खास है? कुछ खास मैंने कहा ना, लोगों का इसमें इकट्ठा सम्मिलित होना, लोगों का कुछ ना कुछ इसमें योगदान करना, इसको लोगों का पार्टिसिपेशन करना, ये बड़ी बात है। हर साल इसे बढ़ता ही जा रहा है। चुनावी माहौल है, टिकट आपको मिला है, लगातार लोगों में भारी उत्साह देखने को भी मिला है। ये गणपति बाबा की कृपा है कि गणेश चतुर्थी इलेक्शन के टाइम पर आई है, उससे पहले आई है, लेकिन विपुल गोयल का और हम किसी का भी आयोजन का चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, ये रेगुलर होता हुआ आयोजन है। आज 7 तारीख जो है गणेश चतुर्थी है और वो कहते ना ये तिथियों का फेर है कि इस वजह से आई है, लेकिन इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं। कांग्रेस को क्या नसीहत देंगे गणेश जी के उत्सव? मैंने कहा ना गणेश जी के उत्सव पर सिर्फ यही नसीहत दूंगा कि फरीदाबाद के लोग आए और अपना बाबा का आशीर्वाद ले, फैजाबाद की तरक्की की कामना करे, कोई पॉलिटिकल बात नहीं हो। कांग्रेस कह रही है 85 सीट उनकी आएंगे, कोई पॉलिटिकल बात नहीं हो। तो आप देख सकते हैं लगातार गणेश उत्सव को लेकर तमाम लोगों में भारी उत्साह, हजारों की संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं और झांकियां निकाली जा रही है, तो कहीं ना कहीं काफी खास इस कार्यक्रम को माना जा रहा है। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए राजेंद्र दहिया।